अब हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा के छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश हैं, जो शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। प्रत्यय शब्द के अंश होते हैं और ये शब्द के अंत में लगता है और शब्द का अर्थ जो है उसमें परिवर्तन लाता है। ऐसे शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश किसी शब्द के बाद जुड़कर नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर प्रत्यय के दो भेद कर सकते हैं, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब है, और कृत प्रत्यय ऐसे शब्दांशों को, ऐसे उपसर्गों को जो शब्दांश किसी शब्द के बाद जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार शब्दांशों के जुड़कर नया शब्द बनाने की जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर प्रत्यय के दो भेद कर सकते हैं, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय का मतलब है जो शब्दांश किसी क्रिया या क्रिया धातु के बाद जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया पदों के साथ और क्रिया धातु के साथ जुड़ते हैं। दूसरा है तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय, ऐसे प्रत्ययों को हम तद्वित प्रत्यय कहते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों के बाद में करते हैं। बच्चों, अब हम कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, अंध, अंध एक प्रत्यय है। अंध से रटंद, गढ़ंद। अंध का प्रयोग जब रड क्रिया धातु के साथ करते हैं तो बनता है रटंद। उसी प्रकार अन, ढक्कन, चिंदन। ढक धातु के साथ अन का प्रयोग करते समय बनता है ढक्कन, चिंतन। उसी प्रकार मर, मर क्रिया के साथ, क्रिया धातु के साथ अन का प्रयोग करते समय मरण। उसी प्रकार अक्कड़, अक्कड़ से घुमकड़, पियंकड़। आ से भुला, देखा। आई से लिखाई, पढ़ाई। आऊ से टिकाऊ, कमाऊ। आक से चालाक, तैराक। आन से मिलान, लगान। आवट से लिखावट, बनावट आदि शब्द बनते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम करते हैं वे तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। आ, आ से भूखा, प्याजा। आई से बुराई, चतुराई। आवू से उपजाऊ, पंडिताऊ। आना से खराना, कमाना। इक प्रत्यय से धार्मिक, सामाजिक। या से दुखिया। ईला से चमकीला, बर्फीला। वान से गुणवान, धनवान। कार प्रत्यय से पत्रकार, चित्रकार। मान बुद्धिमान, श्रीमान आदि शब्द बनते हैं। ऐसे सारे प्रत्यय तद्वित प्रत्यय के उदाहरण हैं।